हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रन ऑल नाइट मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डैनी को, जो एक बार क्लब में बैठा होता है और तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं और वह उनसे एक डील फिक्स करता है। डील बहुत ज़्यादा पैसों की होती है और वह बहुत ढेर सारे पैसे ले लेता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है माइक को। माइक जिमी का बेटा है और यह एक बॉक्सर है। पहले यह बॉक्सर हुआ करता था और यह अब कोच बन चुका है, लोगों को बॉक्सिंग सिखाने का काम करता है। फिर हम देखते हैं कि डैनी कुछ लोगों को लेकर स्वान के पास जाता है। स्वान डैनी का बाप होता है और वह उसे इस डील को करने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने अब गलत धंधे छोड़ दिए हैं। यह सुनने के बाद डैनी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उन लोगों से उसने बहुत सारे पैसे लिए होते हैं और वह उन्हें किसी भी हालत में वह डील फाइनल करके उसे देने ही थी। तभी हम देखते हैं जिमी को। जिमी सेंटा क्लॉज बनकर सॉन के घर पर आया होता है और वह काफ़ी कमाल कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वापस जाकर घर पर लेट जाता है। तभी सॉन जिमी के पास आता है और सॉन जिमी से कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ और तुम मेरे, हम दोनों साथ साथ जियेंगे और साथ साथ मरेंगे। जिमी यह सुनकर सॉन से कहता है कि ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन ड्रग्स डीलर को जो डैनी के पास जा रहे थे। तभी जिमी से मिलने के लिए डायरेक्टर उसके पास जाता है और वह जिमी से बातचीत करता है और उससे कहता है कि तुमने जितने भी गलत काम किए हैं उनकी सारी डिटेल्स मुझे ला कर दे दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सजा कम से कम करा दूंगा। पर जिमी ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है प्लीज़ मुझे पीछे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं माइक को, जो रात में ड्राइविंग का काम करता है और तभी उसके पास एक छोटा स्टूडेंट उसका आता है और वह उससे कहता है कि मुझे ड्राइव करनी है, पर वह उसे इनकार कर देता है। इधर हम देखते हैं कि ड्रग्स डीलर डैनी के पास पहुंच जाते हैं और उनके बीच शूट आउट शुरू हो जाता है, जिसके बीच डैनी उन सभी लोगों को जान से मार देता है और इसकी वीडियो उस छोटे स्टूडेंट ने अपने हाथों से बनाए रखी होती है। तभी डैनी की नज़र माइक के ऊपर पड़ जाती है और वह उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मारने की धमकी देता है और ऊपर गन फायर करने लगता है। यह सब देखकर माइक फौरन वहां से भाग जाता है और डैनी उसका पीछा करने लगता है। वह अपने साथियों से कहता है कि हमें किसी भी हालत में माइक को मारना होगा। तभी सॉन को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, वह सबसे पहले जिमी को कॉल करता है। जिमी जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, इसलिए वह उसी की जान बचाने के लिए फौरन उसके घर पर पहुंच जाता है और वह उससे कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। पर वह कहता है कि मैं सुरक्षित हूँ और मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में हम देखते हैं कि सॉन का बेटा डैनी भी उसके घर पर पहुंच जाता है और वह माइक को जान से मारने वाला होता है कि जिमी पीछे से आता है और वह डैनी को जान से मार देता है। उसके बाद वह सॉन को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है। सॉन कॉल उठाता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है और मैं तुम्हारे बेटे को मारे बिना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिमी अपने बेटे के सामने एक कत्ल कर देता है। इसकी वजह से माइक को अपने डैड के ऊपर बहुत गुस्सा आती है और फौरन पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करता है और उनसे सब कुछ सच सच बताने लगता है। तभी सॉन को भी जैसे अपने बेटे के डेथ के बारे में पता चलता है, वह सबसे पहले पुलिस स्टेशन कॉल करता है और वहाँ से दो ऑफिसर यानी कि दो करप्ट ऑफिसर को माइक के घर पर भेज देता है उन्हें अरेस्ट करने के लिए। पर माइक जिमी के साथ था, इसलिए जिमी उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि दो ऑफिसर आते हैं और वह माइक को अरेस्ट कर वहां से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वह उसे पुलिस स्टेशन नहीं लेकर जा रहे थे। इधर हम देखते हैं कि जिमी भी धीमे धीमे उनकी गाड़ियों का पीछा कर रहा था और अचानक से वह उनकी गाड़ियों को टक्कर मारता है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स की कार पलट जाती है और वह वहाँ से माइक को आराम से निकाल कर वहाँ से कहीं और लेकर जाने लगा था। तो एक पुलिस ऑफिसर गाड़ी से बाहर निकलता है और वह माइक को शूट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले जिमी एक बार फिर उस ऑफिसर को जान से मार देता है। अब माइक को अपने डैड के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी। उसे लग रहा था कि मेरा डैड एक बहुत ही पेशेवर कातिल है जो किसी को भी जान से मार सकता है। तभी हम देखते हैं जिमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट सॉन बहुत सारे गैंगस्टर को दे देता है। वो सभी के सभी जिमी की जान के पीछे पड़ जाते हैं और एक एक करके जिमी उन सभी को मार रहा होता है। सॉन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह लगातार उससे मात मिल रही थी, इसलिए वह इस बार बहुत सारे लोगों को एक साथ कॉल करता है और सभी से कहता है कि जो भी जिमी को मार कर लाएगा मैं उसे मालामाल कर दूंगा। अब जिमी के बहुत सारे दुश्मन थे, वह उसके हर जगह ऐड चलवा देता है। उसके और उसके बेटे को पुलिस भी हर तरफ ढूंढ रही होती है। अब पूरे शहर को लग रहा होता है कि जिमी और माइक बहुत ही बड़े गैंगस्टर बन चुके हैं और इन्हें पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तब बहुत परेशान होकर जिमी डिटेक्टिव के पास कॉल करता है और उसे सब कुछ सच सच बताता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें उन सभी गैंगस्टर के पते का ठिकाना दे दूंगा जो मैं जानता हूँ। यह सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे मेरे बेटे की रिहाई चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को इस केस से दूर कर दिया जाए।
फिर हम देखते हैं माइक अपने परिवार को लेकर अंडरग्राउंड की तैयारी कर रहा होता है कि वहां पर उसे कुछ लोग मारने के लिए पहुंच जाते हैं। माइक उन्हें मार देता है और फिर हम देखते हैं कि जिमी सॉन्ग को कॉल करता है और उससे कहता है कि हमें सामने से बात करनी चाहिए। जिमी जाकर सॉन्ग को सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करता था, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। पर सॉन्ग कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है और मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनने के बाद जिमी सॉन्ग से कहता है कि ठीक है, मैं अपने बेटे की तो जान बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है सॉन्ग को जो हॉस्पिटल जाकर अपने बेटे की डेड बॉडी को देखता है, और जैसे ही सॉन्ग अपने बेटे की हालत ऐसी बुरी देखता है वह फौरन बहुत सारे गैंगस्टर को कॉल करता है और कहता है कि अब मुझे 2 घंटे के अंदर किसी भी हालत में जिमी और माइक की जान चाहिए। यह सुनने के बाद सभी लोग पागल से हो जाते हैं और सभी शूटर इन दोनों को बहुत ही बेरहम तरीके से मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तभी जिमी माइक को अपने ठिकाने पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ अब कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना होगा। माइक जिमी की बात ध्यान से सुन रहा होता है कि उसे पता चल चुका था कि अब उसकी इस शहर में मदद करने के लिए और कोई भी नहीं है। जिमी और माइक एक बहुत ही बड़े होटल में रुके होते हैं, तभी वहाँ पर उन्हें आते हुए एक औरत देख लेती है और पुलिस वाले को कॉल कर देती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब पूरे हॉस्टल को खाली करा दिया जाता है और होटल के खाली कराने के बाद अब उसके अंदर बहुत सारे कातिल, शूटर और पुलिस ऑफिसर जो माइक को और जिमी को मारने के लिए अंदर घुसे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इसके अंदर एक जॉन नाम का शूटर भी जाता है जिसने आज तक कभी भी अपने निशाने को मिस नहीं किया होता है और वह जिमी के पीछे पड़ा होता है। तभी जॉन और जिमी के बीच अंदर फाइट होने लगती है, पर जॉन एक शूटर था इसलिए जिमी उसे आसानी से फाइट में हरा देता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से बहुत जान बचाकर बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद जिमी माइक से कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता, मेरे पैर में गोली लग चुकी है और मैं बहुत ही बुरी हालत में हूँ। लेकिन माइक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे बताओ तुम्हें लेकर कहाँ चलना है। जिमी कहता है मुझे मेरे भाई टैनी के पास ले चलो। वह उसे टैनी के पास लेके जाता है और टैनी उसकी मदद करता है। तब टैनी माइक को बताता है कि जिमी किसी का भी नहीं है, वह सॉन के लिए तुम्हें भी मार सकता है, उसने पहले ही अपने कजिन को सॉन के लिए मारा हुआ है। यह सुनने के बाद माइक को जिमी के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं रहता, इसलिए वह अपने परिवार को लेकर अंडरग्राउंड हो जाता है। तभी इस गुस्से में फौरन जिमी सॉन को कॉल करता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। वह फौरन सॉन के अड्डे पर जाता है और वहाँ पर सभी को मारते हुए सॉन के पास पहुँच जाता है। सॉन को भी वह जान से मार देता है, पर सॉन के आदमी जिमी के ऊपर गोलियाँ चलाते हैं जिसकी वजह से जिमी को कई सारी गोलियाँ लग जाती हैं। जिमी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वह सॉन को आखिर में जान से ही मार देता है। अब सॉन मर चुका था, जिमी को ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी उसके रास्ते में टांग नहीं लड़ाएगा, यानी कि उसका परिवार सेफ है, इसलिए वह अपने परिवार से मिलने के लिए अब वहां से निकलता है और सॉन से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त। तभी माइक का स्टूडेंट डायरेक्टर के पास जाता है और उसे उस वीडियो को दे देता है जो उसने उस रात को बनाई होती है। फिर हम देखते हैं माइक और जिमी को। जिमी जैसे ही माइक के पास जाता है माइक भड़कने लगता है और तभी जिमी कहता है कि मैंने सॉन को मार दिया है, अब तुम्हारा पीछा कोई भी नहीं करेगा। जिमी अपने हाथ में ड्रिंक लेकर बाहर खड़ा होता है और ड्रिंक को लग पी रहा होता है। तभी वहां पर कुछ शूटर आते हैं और जो जिमी को बहुत सारी गोलियां मार देते हैं। जिमी बहुत ज़्यादा घायल था, वह अपनी गन को उठाता है और बाहर जाकर देखता है तो जॉन खड़ा होता है। जॉन का निशाना कभी भी नहीं मिस हुआ है, इसलिए वह बहुत ही खतरनाक शूटर होता है जो जिमी को बहुत सारी गोलियां मार देता है। पर जिमी के अंदर अभी भी एक जान होती है और थोड़ी सी जान के बल पर वह अपने बंदूक उठाता है और उस पर एक गोली जॉन की तरफ शूट करता है, जिसकी वजह से जॉन के भेजे में जाकर वह गोली घुस जाती है और जॉन मारा जाता है। अब सभी लोग मर चुके थे और लास्ट में हम देखते हैं कि जिमी भी मर चुका है, बट माइक और माइक का परिवार बहुत ज़्यादा खुश है और माइक अब अपने पिता से नफरत नहीं करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी एंड होती है।